आपने अक्सर देखा होगा कि पानी के कंटेनर से लदी हुई छोटी छोटी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती रहती है। इनका काम होता है पानी के जार्स या कैन को दुकानों और घरों तक पहुंचाना। ये एक तेजी से फैलता हुआ बिजनेस है, यानी बहुत से लोग इस बिजनेस में अपना हाथ आजमा रहे हैं और अपनी पूंजी लगा करके इसको शुरू कर रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूट पर भी रोजाना इस पानी के चार कैन आते हैं। अगर आप इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इस बिजनेस में आप अपनी जगह पर एक आरओ प्लांट लगवाते हैं। उस प्लांट से फिल्टर पानी को आप एक कंटेनर, कूल केस, कूल जग, जार या फिर ट्रांसपेरेंट बोतलों में भरते हैं और उसको अपने कस्टमर तक पहुंचाते हैं। पानी यूज हो जाने के बाद आप अपने कंटेनर को वापस ले लेते हैं और इसमें पर कंटेनर के हिसाब से आप चार्ज लेते हैं। जनरली पानी पहुंचाने का और खाली कंटेनर को वापस लाने का काम टाटा एस और टेम्पो जैसी गाड़ियों से किया जाता है, लेकिन अगर कोई आसपास का ऑर्डर होता है तो इसके लिए आप साइकिल या फिर कोई टू व्हीलर से भी पानी डिलीवर कर सकते हैं। इस बिजनेस के बारे में मैंने काफी जानकारियां इकट्ठी की है और जो लोग ये पानी का बिजनेस करते हैं उनसे भी मैंने बात की है, तो उनसे बात करके जो मैंने जाना है वो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो गाइज, मैं हूं ईशान और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप आरओ प्लांट्स लगवा करके पानी का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और इसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे और इसमें आपको कितना मुनाफा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, यानी आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी एक पानी का बिजनेस शुरू करने के लिए। सबसे पहले जो आपको जरूरत पड़ेगी वो है जगह की। प्लांट लगवाने के लिए ट्रांसपेरेंट बोटल्स, कूल केज और चिल्लर वगैरह को रखने के लिए आपको कम से कम 1000 स्क्वायर फुट की जगह चाहिए होती है। एरिया इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी कैपेसिटी का आरओ वाटर प्लांट लगवाना चाहते हैं। कैपेसिटी का मतलब ये है कि आपकी मशीन 500 लीटर पर आवर पानी फिल्टर करती है या फिर 1000 लीटर पर आवर फिल्टर करती है। आमतौर पर प्लांट पर काम करने वाले ज्यादातर लोग भी वहीं रहते हैं, इसलिए आपको इस एंगल से भी अपनी जगह रखनी होगी। तो कुल मिलाकर आपके पास 1000 से लेके 1500 स्क्वायर फुट तक की जगह होनी ही चाहिए। दूसरी चीज आती है बिजली का कमर्शियल कनेक्शन। आपको अपना प्लांट चलाने के लिए बिजली का एक कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 10 से लेके 15000 रुपए तक शुरू में खर्च करने पड़ेंगे। तीसरी चीज आती है बोरिंग। चूंकि ये पानी का बिजनेस है इसलिए आपको पानी निकालने के लिए एक बोरिंग कराना होगा। उसे स्टोर करने के लिए आपको टंकी भी लगवानी होगी। बोरिंग करवाने के लिए कितने पैसे लगेंगे ये आपके एरिया में अंडरग्राउंड वाटर लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ गुड़गांव में 200 फीट की बोरिंग कराने के लिए 10 से 15 हजार रुपए लग जाते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सरकारी वाटर सप्लाई से काम चला लूंगा तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर वाटर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपका बिजनेस पूरी तरह से ठप हो जाएगा, इसलिए आपको एक बोरिंग जरूर लगवाना पड़ेगा। चौथी चीज आती है आरओ प्लांट और चिल्लर। पानी का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बेसिकली दो मशीनें लेनी पड़ेगी, एक पानी को फिल्टर करने के लिए आरओ मशीन और दूसरी पानी को ठंडा करने के लिए चिल्लर। आरओ प्लांट लगवाने के लिए बहुत सारी कंपनीज वर्क करती है। दिल्ली गुड़गांव में छोटी छोटी कंपनियों से लेकर के कई ब्रांडेड कंपनियां भी ये मशीन लगाने का काम करती है। आरओ प्लांट लगवाने के लिए आपका जो खर्चा है वो 2.5 से 5 लाख रुपए तक का आएगा। पांचवी चीज जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो है कंटेनर्स। पानी डिलीवर करने के लिए आपको ट्रांसपेरेंट बोटल्स, जार, थर्मस या कूल केज वगैरह लेने होंगे। एक 15 लीटर का कूल केज आपको लगभग 500 रुपए में पड़ेगा। दुकानों में ज्यादातर इन्हीं की सप्लाई होती है। एक 20 लीटर ट्रांसपेरेंट जार के लिए आपको 120 रुपए तक खर्च करने पड़ेंगे। घरों में लोग इन्हें ही लेना पसंद करते हैं। कंटेनर लेने में आपको पैसे बचाने की ज्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए और बेहतरीन क्वालिटी का ही कंटेनर लेना चाहिए, क्योंकि इन्हें बहुत सारे लोगों के हाथों से होकर के गुजरना पड़ता है और अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आपका कंटेनर खराब भी हो सकता है, इसलिए आपको अच्छी क्वालिटी के कंटेनर्स खरीदने पड़ेंगे। छठी चीज जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो है स्टिकर्स। आप जो अपने जार्स और कंटेनर्स मार्केट में देते हैं उस पर आपकी कंपनी के स्टिकर्स चिपके हुए होने चाहिए, जिस पर आप अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, इसलिए काम शुरू करने से पहले ही आपको ये स्टिकर्स छपवा लेने चाहिए। सातवीं चीज जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो है स्टाफ। इस काम को शुरू करने के लिए आपको कुछ लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। जिन लोगों से मैं मिला हूँ उनके पास 3 से लेके 5 लोग तक स्टाफ में थे। आपको 3 तरह के स्टाफ हायर करने पड़ेंगे, एक तो ड्राइवर, हेल्पर और क्लीनर।
ड्राइवर, जितनी आपके पास गाड़ी होंगी उतने ही आपको ड्राइवर हायर करने पड़ेंगे, हेल्पर जो ड्राइवर के साथ पानी पहुंचाने जाएगा और खाली कंटेनर को भी वापस लेकर के आएगा, और क्लीनर जो कंटेनर्स की सफाई के साथ साथ और दूसरी सफाई भी करेगा। वैसे एक आदमी भी कई सारे काम कर सकता है, जैसे कि ड्राइवर पानी लेकर के जाएगा तो वो खुद ही पहुंचा करके आ सकता है और खुद ही कंटेनर वापस ला सकता है, तो उसके लिए आपको हेल्पर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी जब आप ये काम शुरू करेंगे तो कम से कम आपको एक या दो आदमी तो रखने ही पड़ेंगे। आठवीं चीज जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो है पानी डिलीवर करने के लिए एक गाड़ी। पानी पहुंचाने के लिए आपको टेम्पो या फिर टाटा एस जैसी कोई गाड़ी लेनी पड़ेगी। हालांकि आसपास अगर कोई पानी की डिलीवरी करनी है तो आप टू व्हीलर से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं दूर डिलीवरी करनी है तो उसके लिए आपको कोई गाड़ी लेनी पड़ेगी, आप चाहे तो उसको फाइनेंस भी करा सकते हैं। नवी चीज जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो है एडवर्टाइजिंग। शुरुआत में पर्सनल कॉन्टैक्ट के जरिए लोग मार्केट बनाते हैं और खुद घूम घूम कर कस्टमर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आमतौर पर प्लांट ऑनर एडवर्टाइजिंग में अलग से कुछ भी नहीं करते हैं। उनका ये कहना है कि जब गाड़ी चलती है तो अपने आप ही उनकी एडवर्टाइजिंग हो जाती है, और ज्यादा से ज्यादा वो लोग बस ये करते हैं कि जो अपने कंटेनर के ऊपर वो स्टिकर लगाते हैं उन्हीं स्टिकर्स को वो अपनी गाड़ी पर और कहीं मार्केट में चिपका देते हैं। कई बार कई सारे आरओ प्लांट वाले इसलिए भी एडवर्टाइजिंग नहीं करते क्योंकि उनके पास कैपेसिटी नहीं होती है ज्यादा लोगों को पानी डिलीवर करने के लिए। तो एडवर्टाइजिंग आपको कितनी करनी है ये डिपेंड करता है कि किस कैपेसिटी का आप आरओ प्लांट शुरू करने वाले हैं। जितना बड़ा आपका आरओ प्लांट होगा उतनी ही ज्यादा आपको एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। दसवीं चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है सरकारी झमेला। जब भी कोई आप बिजनेस शुरू करते हैं तो सरकारी इसमें क्या क्या लोचा हो सकता है ये आपको शुरू में ही ध्यान रखना चाहिए। तो आरओ प्लांट में आपको तीन तरह की चीजें ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहले आपको जो बिजली का कनेक्शन लेना है वो आपका कमर्शियल होना चाहिए, प्राइवेट कनेक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि आप यहाँ पर बेचने का काम कर रहे हैं इसलिए आपको जीएसटी नंबर भी लेना पड़ सकता है और इस पर जीएसटी लगेगा। तीसरी चीज ये है कि क्योंकि आप लोगों को हायर कर रहे हैं अपने यहाँ काम करने के लिए तो आपको लेबर डिपार्टमेंट में अपने आप को रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा। वैसे बहुत सारे आरओ प्लांट्स वाले ऐसे भी है जो इन नियमों का पालन किए बगैर भी ये काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी झमेलों से अगर आपको बचना है तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे मैंने कई सारे आरओ प्लांट्स वाले देखे भी हैं जो सिर्फ बिजली का कमर्शियल कनेक्शन लेते हैं, इसके अलावा ना तो कोई जीएसटी नंबर है उनके पास और ना ही उन्होंने लेबर डिपार्टमेंट में अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि आप इस बिजनेस से कितने पैसे कमा सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप एक महीने में 1,00,000 रुपए का पानी डिलीवर करते हैं तब भी आपको 50,000 रुपए का प्रॉफिट तो आ ही जाता है। मान लीजिए कि मेहनत करके आपने 150 रेगुलर कस्टमर बनाए और रोज वो आपसे एक कंटेनर लेते हैं और आप 15 रुपए का एक कंटेनर देते हैं तो आपकी एक महीने की इनकम होती है 67,500 रुपए, जिसमें से आप सैलरी, किराया, बिजली का बिल और डीजल और मेंटेनेंस वगैरह निकाल दें तब भी आपको 40,000 से 45,000 रुपए तो बच ही जाते हैं। एक सिनेरियो ये भी है कि जैसे जैसे आपके कस्टमर्स बढ़ते जाते हैं तो उस केस में आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होता चला जाता है। मैं यहाँ के कुछ बड़े जो आरओ प्लांट्स वाले हैं उनसे मिला और मैंने उनकी कमाई जानने की कोशिश की तो उन लोगों ने मुझे कुछ ज्यादा बताया नहीं। उन्होंने कहा कि हमें महीने के 30,000-40,000 रुपए ही बच पाते हैं और बस हम काम चला रहे हैं, कोई ज्यादा फायदा नहीं है। शायद उन्होंने मुझे अपनी इनकम के बारे में बताना नहीं चाहा। जैसे कि मैंने गैस एजेंसी पर एक वीडियो बनाई थी, उसके लिए मैंने गैस एजेंसी वालों से पता किया था कि आप लोग कितना कमा लेते हैं, तो उन्होंने भी मुझे खुल करके कुछ नहीं बताया था। लेकिन मैंने आरओ प्लांट में काम करने वाले जो लोग हैं उनसे जब पूछा कि आप लोग कितना कमा लेते हैं तो उन्होंने मुझे बहुत चौंकाने वाली बात बताई। उनसे मुझे पता चला कि ये लोग जाड़ों के मौसम में भी 500 से लेके 600 कंटेनर तक रोजाना सप्लाई कर देते हैं और गर्मियों में तो ये आंकड़ा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। अगर हम एवरेज 600 कंटेनर पर डे मान करके भी चलें और एक कंटेनर 15 रुपए का जाता है तब भी एक महीने की 2,70,000 रुपए की इनकम होगी, जिसमें से अगर सारे खर्चे निकाल दिए जाए तब भी 2,00,000 रुपए तो बच ही जाएंगे। और अगर आप किसी ऐसी जगह पर ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं जहां आप एक कंटेनर 15 से ज्यादा का बेचते हैं, मतलब 20 या 25 रुपए में बेचते हैं, तो फिर आपकी इनकम और ज्यादा बढ़ जाती है। पानी की बिजनेस में एक चीज और होती है कि जाड़ों के मौसम में ये बिजनेस थोड़ा कम चलता है लेकिन गर्मियों के मौसम में ये बिजनेस बहुत ज्यादा चलता है। दूसरी चीज ये है कि जब कोई शादी का ऑर्डर आता है या पार्टी का ऑर्डर आता है तो उस समय भी आपको एक काफी अच्छा फायदा हो जाता है क्योंकि आपको बल्क में काफी सारे ऑर्डर्स मिल जाते हैं तो उस समय आपकी इनकम काफी बढ़ जाती है। पानी के काम से ही मिलता जुलता एक और काम है, वो है पाउच और पैकेज्ड मिनरल वाटर का। आप देखते होंगे कि बसों में जो पैकेज्ड बोतल बेची जाती है वो उसी काम का एक हिस्सा होता है। अगर आप चाहें तो उस काम को भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट आ जाता है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि आप एक आरओ प्लांट कैसे शुरू कर सकते हैं, इसके लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और आप इसमें कितना प्रॉफिट कर सकते हैं।
आपने ये तो जान ही लिया है कि इसमें कितना प्रॉफिट होता है, लेकिन फिर भी जब आप ये काम शुरू करना चाहें तो आपको अपने इलाके के हिसाब से देख लेना चाहिए कि वहां पर ये काम कितना चल सकता है और आपको कितना प्रॉफिट आ सकता है। वैसे जब भी कोई बिजनेस शुरू किया जाता है, चाहे कितना भी अच्छा बिजनेस हो, उसमें लॉस भी आ सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। इसलिए आपको सारी चीजों को सामने रख करके तभी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट